हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल डिजिटल करेंसी टेक्निकल में। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जो कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और टेलीग्राम को ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर जो आ रही है फ्रेंड्स, वो जापान कंट्री से। आपको पता है कि जापान कंट्री ने 2016 में ही एज ए करेंसी क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया था। तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका के लोग जो 47% पॉपुलेशन है, 47% मीन्स हाफ लोगों को कह सकते हैं हम, 50% पॉपुलेशन जापान में जितने लोग हैं वो आधे लोग क्या कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से प्लान कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के लिए। दूसरी खबर फ्रेंड्स आ रही है कि बिग बैंक्स आर इन्वेस्टिंग हैविली इन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो, $364 बिलियन इन्वेस्टमेंट फर्म। मतलब फ्रेंड्स कि ये वॉल एक कंपनी है, बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। बिग बैंक्स जितनी भी हैं वो क्या करने जा रही हैं कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट अभी किया है, और 364 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी लगभग 350-400 बिलियन डॉलर की मार्केट है पूरी क्रिप्टो करेंसी। मतलब अभी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग में देखूँ जितनी क्रिप्टो करेंसी है सभी की एक वैल्यू निकाल करके और इस बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट किया है पूरे बराबर हो गई। तो आप सोचिए, जितने भी बिटकॉइन है, रिप्पल, इथेरियम, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है पूरी की वैल्यू के बराबर एक इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में। तो कितनी बड़ी बात है, और क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंड्स। ये बार्कले ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और इसकी तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। बार्कले, आपको मैंने बताया था कि ये एक बहुत बड़ी बैंक है, आपको जानना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ी बैंक है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। तो इन्होंने क्या किया है कि बार्कले ट्रेडर मूव्स टू जापान क्रिप्टो एक्सचेंज। मतलब जापानीज़ में क्या करेंगे, ये क्रिप्टो का एक्सचेंज और नो फ्यूचर इन ट्रेडिशनल फाइनेंस। मतलब कि जो भी बेसिक व्यवसाय इनका था वो उसको कहीं ना कहीं कम देख रहे हैं, और क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये इन्होंने डिसीजन लिया है, ये लोग विचार बना रहे हैं, तो ये अपने आप में क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के लिए अच्छी खबर है। और एक खबर बहुत ही बड़ी आ रही है फ्रेंड्स, एनवीडिया ने क्या किया है, $289 मिलियन कमाए हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में, क्यूएन में। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में $289 मिलियन की अर्निंग हुई है एनवीडिया कंपनी की तरफ से। अब हम बता दें कि एनवीडिया क्या है, कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जीपीयू मैन्युफैक्चरर है। जीपीयू क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि चिप एक मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये सेल करती है, पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनी है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एनवीडिया वर्ल्ड की नंबर एक कंपनी जीपीयू की सेलिंग करती है, जो जीपीयू किस चीज़ में यूज होता है, वो गेमिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो एनवीडिया के सीईओ हैं जेनसन हॉन्ग जी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, और इसकी अगर हम टोटल वैल्यू नेट इनकम की बात करें तो $3 बिलियन है, जो कि 2017 की अर्निंग है, और 115,000 से ज़्यादा इसमें एम्प्लॉय करते हैं 2018 जनवरी मंथ की बात है फ्रेंड्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स, एक बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि ऑलमोस्ट इररिस्पॉन्सिबल, मतलब आप समझ गए होंगे, गैर जिम्मेदाराना काम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। मतलब अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये आपका एक गैर जिम्मेदाराना काम हो जाएगा। ये कहना है बिलियनेयर माइक नोवे ग्रेट्ज, ये बहुत बड़े, इन्होंने बिटकॉइन बहुत पहले बाई किया था। इनका ये कहना है कि अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया या क्रिप्टो में, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये अपने आप में क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए एक अच्छी खबर है। और फ्रेंड्स, एक खबर आ रही है अमेरिका से, जो कि अमेरिका की बैंक है BOA बैंक ऑफ अमेरिका। क्या कर रही है कि उसको ट्रेवलिंग हो रही है, मतलब दिक्कतों का सामना पड़ रहा है पेमेंट सिस्टम के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बैंकें हैं उनको क्रिप्टो करेंसी से प्रॉब्लम हो रही है, ये देखने में आ रहा है। बैंकों के ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसको रूल रेगुलेट किया जाए।
और इसके ऊपर रूल लाया जाए, तो ये अपने आप में एक बैंक्स के लिए तो अच्छी खबर है हम कह सकते हैं। बैंक्स हमेशा सोचती है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन यूज़र्स क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये खुद की मर्जी होती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स लास्ट खबर आ रही है साउथ कोरिया कंट्री से। साउथ कोरिया में एक सबसे बड़ा एक्सचेंज है यूपी बिट। आपको पता होगा यूपी बिट सबसे बड़ा एक्सचेंज है साउथ कोरिया कंट्री का। तो उस पर क्या हुआ है कि जो भी लोकल पुलिस है उसने क्या किया है कि एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। मतलब एक्सचेंज पे जो आप बाइंग सेलिंग या लेन देन करते हैं उसका एक चेकिंग होगी, एक इन्वेस्टिगेशन होगा कि आप लोग किस तरीके से बाइंग सेलिंग करवा रहे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई KYC हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है, क्योंकि एक्सचेंजेस जितने भी रन कर रहे हैं इतने पैसे कमाते हैं और इतनी अच्छी खासी अर्निंग करती हैं, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में, जो भी रूल रेगुलेशन है कंट्री के, क्योंकि साउथ कोरिया में रूल लग चुका है आपको भी पता है। तो एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो काम करना चाहिए एक्सचेंजेस को। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। तो फ्रेंड्स ये थी आज के लिए आपके लिए न्यूज़। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करके बताइएगा। वीडियो को न्यूज़ जो भी आपको मिली इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हर जगह शेयर करना है, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन चले कि क्रिप्टो करेंसी में क्या चल रहा है। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरी खुशखबरी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।